हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी फसल मेरा बोरा का। यदि आपने फॉर्म भर रखा है बाजरा से रिलेटेड, उसका मुआवजा लेने के लिए आपको क्या करना होगा, कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे। क्षतिपूर्ति जिसको होगी आपकी, बाजरा नुकसान हो गया, कड़ब आपकी नुकसान होगी, उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है। कम्प्लीट वीडियो जरूर से चेकआउट करें, चेक करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करना न भूलें। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा बाजरा में आपको मुआवजा लेने से रिलेटेड। यानी आपका बाजरा खराब हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, उसका एक फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भर के मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने, यदि आपने ऑनलाइन भी कर दिया है तो आपका अभी तक वेरीफाई क्यों नहीं हुआ है, वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरे करेंसीज में सभी का स्वागत है। अब इसकी होम पेज से हम पेज ओपन करेंगे गूगल की होम पेज से, वहां से मैं आपको शुरू से लास्ट तक फॉर्म भर के बताऊंगा और वहां पर दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो गाइस जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, मैंने गूगल का होम पेज खोल लिया है और मेरी फसल मेरा ब्यौरा यहां पर मैं लिख देता हूं, क्योंकि मुझे मुआवजा क्यों नहीं मिला अभी तक उसके रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो गाइस वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर से देखना। यहाँ पर हम बात करेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसका पेज ओपन हो जाता है यहाँ से। ठीक है, मुआवजा क्यों नहीं मिला और कैसे मिलेगा इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। इसमें कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ से। ठीक है, किसान अनुभाग वाले ऑप्शन को यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे। तो गाइस जैसे हमने ओपन किया, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाता है। किसान पंजीकरण, पंजीकरण प्रिंट आउट और बैंक विवरण बदले। यहाँ पर नेक्स्ट में ऑप्शन आपके सामने ई फसल क्षतिपूर्ति सूचना देने के लिए मेरी फसल मेरा बोरा पर फसल का पंजीकरण करना अनिवार्य है आपको, यदि मुआवजा लेना है तो। यहाँ से हम क्या करेंगे, मेरी फसल का क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो गाइज यहां से हम फसल क्षतिपूर्ति सूचना देने के लिए ये पोर्टल ओपन हो जाता है आपके सामने इस तरह से। ये पोर्टल ओपन होने के बाद में यहां पर आप ओपन भी कर सकते हैं, पीपीपी यानी फैमिली आईडी है तो उससे भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर यहां पर नेक्स्ट में ऑप्शन है एमएफपी, आपके पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पंजीकरण है संख्या वो यहाँ पर दर्ज करके भी आप कर सकते हैं। या फिर आपको ये दोनों याद नहीं है, ठीक है, आप भूल गए हैं, तो अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर फिल करें। उसके बाद में आपका जो सदस्य है वो सदस्य चुनें। सदस्य चुनने के बाद में ये जो कैप्चा है फिल करेंगे, वहाँ पर फिर ओटीपी चला जाएगा हमारा। ठीक है, मैं अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ, उसके बाद में सदस्य चूज कर लेंगे हम। तो गाइज मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर फिल कर दिया और यहाँ पर सदस्य चूज से रिलेटेड भी यहाँ पर देख सकते हैं सदस्य चुने। यहाँ पर मैंने अपने सदस्य नाम है जो फिल कर दिया है और यहाँ पर कैप्चा भी फिल कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिन कर देते हैं। जैसे लॉगिन करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ओटीपी भरें। ठीक है, ओटीपी हमारा आ गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो ऊपर आ गया है ओपन ओटीपी। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे 3297। ठीक है, ये ओटीपी यहाँ पर फिल कर देते हैं हम। तो गाइज इस तरह से हमारा होम पेज है जो फसल का, वो इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ पर किसान का नाम भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने कंप्लीट बताया था। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये देखने के बाद में तो गाइज मैंने यहाँ पर फिल भी किया हुआ है फसल की क्षतिपूर्ति के नुकसान के लिए। तो गाइज मैंने अभी तक फॉर्म अप्लाई में जमा नहीं करवाया किसान ने, तो जमा न करवाने वजह से यहाँ पर देख पा रहे हैं लंबित है अभी तक ये वेरीफाई नहीं हुआ है किसी, इसी वजह से नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्म जो प्रिंट आउट निकालने के बाद में इसको जमा भी आपको करवाना होता है। तो गाइज यदि आपका फिर भी कुछ हिस्सा रह गया खाली यहाँ पर तो आप दर्ज भी कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस तरह से खरीफ फसल के अनुसार रिकॉर्ड है, काश्तकार के अनुसार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है क्या आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन किया है। यदि आपने किया है तो उसके अनुसार यहाँ पर हाँ और ना का ऑप्शन चूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो गाइज मैं यहाँ पर नहीं कर देता हूँ, मैंने नहीं किया है। क्षति का कारण यहाँ पर किस कारण वश आपकी क्षति हो गई है, आग लगने की वजह से, बाढ़, ओलावृष्टि, सूखा, शीतलहर, भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, खड़ा पानी या फिर भारी बारिश। ठीक है, इस बार तो काफ़ी इलाकों में भारी बारिश की वजह से आपकी फसल खराब होगी। मेरी फसल मेरा बारा ने बाजरा के लिए अप्लाई किया था उनके लिए, तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। उसके बाद में किसान के अनुसार कितना परसेंट आपका नुकसान हो गया वो यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर चूज करें अपना कितना परसेंट हुआ है। तो गाइज मेरा तो 75 से 100% तक, मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। उसके बाद में क्षति की तारीख यानी कौन सी तारीख को आपका बारिश आई थी
यानी वो यहाँ पर बारी बारी से आई थी, वो यहाँ पर डेट भी आपको चूज करनी होगी मंथ के अनुसार। तो गाइज मैं यहाँ पर अपना जो मंथ है वो यहाँ पर बैक चला जाता हूँ, सितंबर मंथ में आई थी दो दिन के दौरान 23-24 के अनुसार यहाँ पर। तो मैं गाइज यहाँ पर डेट भी सेट कर लेता हूँ। जैसे सेट करूँगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूचित कर देंगे, यहाँ से हम सूचित कर देते हैं। तो गाइज जैसे सूचित करेंगे उसके बाद में क्या करेंगे, हाँ कर देंगे। जैसे हाँ करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है फसल क्षतिपूर्ति सूचना को सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में जैसे स्क्रॉल बार नीचे ऊपर करेंगे ये देख पाएंगे आपके सामने, ये हमारा जो भूमि का विवरण हमने फिल किया है वो यहाँ पर देख पाएंगे। फिर इसके बाद में कंप्लीट होने के बाद में फिर हम इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको क्या करना होगा, इसी प्रिंट आउट को आपको अपने नज़दीकी एग्रीकल्चर ऑफिस है वहाँ पर आपको जमा करवाना होगा, आपके बैंक की पासबुक, आधार कार्ड और ये प्रिंट आउट आपका, ठीक है, और ज़मीन की नकल भी आपकी, यानी जिसको हम बोलते हैं सकते हैं जमाबंदी, वो भी साथ लेकर जाने होगी। उसके बाद में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में एक या दो दिन के अंदर में आपका पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से डायरेक्ट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नमस्कार, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।